जय इंद यू आज हम साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको पता है कि प्लांट सेल है यानी कि पादप कोशिका ये एक आयताकार संरचना के रूप में होती है यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में होती है वहीं जो एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका है ये एक अंडाकार संरचना के रूप में दिखाई देती है तो ये जो प्लांट सेल यानी पादप कोशिका है इसके अंदर जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं केंद्र क्या के न्यूक्लियस वहीं एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका के अंदर भी आपको केंद्रक के या न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है इस केंद्रक के सबसे बाहरी लेयर होती है या आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला वहीं इस केंद्रक कला के ऊपर जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छेद इस केंद्रक के अंदर तरल गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं द्रव्य या न्यूक्लियो प्लाज्म और जो ये धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हम थ्रेड थ्रेड या थ्रेड या धागे इन्हीं धागों से निर्माण होता है क्रोमोसोम का यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र तो इन गुणसूत्र का निर्माण भी इन क्रोमेटिन धागों से हुआ होता है लेकिन ये जो क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटेन आपको दिखाई दे रहे हैं इनका निर्माण होता है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के द्वारा जी हाँ आज जो डीएनए हम डिस्कस करने वाले हैं इसी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से निर्माण होता है क्रोमेटिन का और ये क्रोमेटिन निर्माण करते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का और ये क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर तो डीएनए कहाँ पाए जाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और इस डीएनए के हर एक फैक्ट को हम कंप्लीट करेंगे लेकिन उससे पहले यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ सकते हैं आपको सिर्फ टाइप करना होगा सिद्धार्थ अंडर स्कोर यादव अंडर स्कोर एजुकेशन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डीएनए के फुल फॉर्म के बारे में डी से होता है डी ऑक्सीबो एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड फिर से बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा डी से डी ऑक्सीबो एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड इस डीएनए का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है डीएनए की जो संरचना है इसे सबसे पहले 1953 में वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा बताया गया था एक मॉडल के द्वारा ये देखिए ये जो आपको ये मॉडल जो दिखाई दे रहा है ये एक डीएनए का मॉडल है और इसे तैयार किया था वाटसन सर ने और क्रिक सर ने इसी वजह से इस मॉडल का नाम वाटसन एंड क्रिक मॉडल रखा गया था वाटसन सर और जो क्रिक सर हैं ये काफ़ी यंग एज की पिक है उनकी तो आप जो इनकी पिक है जब 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था वो देख सकते हैं ये हैं जेम्स डे वॉटसन यानी कि जे डी वाटसन और ये हैं एफ एच सी क्रिक यानी कि फ्रांसिस हैरी कॉम्टन क्रिक तो इन दोनों ने ही वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दिया था इन्होंने संरचना बताई थी डीएनए की कि जो डीएनए है वो दो पॉली चेनों से मिलकर बना हुआ है और इनके बीच में एक बेस पेयर पाया जाता है जो इन्हें जोड़ने का काम करता है इन्हीं बेस पेयर के बीच में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंद यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये थोड़े पुराना स्ट्रक्चर है तो आपको समझने में दिक्कत होगी यहाँ देखिए ये जो आपको एक अलग डायरेक्शन से दिखाई आती हुई दिखाई दे रही होगी इसे हम बोलते हैं एक पॉली न्यूक्लोटाइड चेंज और दूसरी पॉली न्यूक्लोटाइड चेंज जो आपको दिखाई दे रही होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन डारे, में जा रही है तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चेने जाती हुई दिखाई दे रही हैं आपको और ये जो जुड़ी हुई हैं इन्हें हम बोलते हैं बेस पेयर जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं अब डीएनए का जो एक्सरे है उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया था एम एच एफ विल्किस ने और एम एच एफ का फुल है मॉरिस ह्यूज फ्रेडरिक यानी कि मॉरिस यूज फॉर फ्रेडरिक विल्किस जी के द्वारा डीएनए का एक्सरे डिफ्रेक्शन एनालिसिस किया गया था क्या था ये एनालिसिस बात बताऊंगा लेकिन इसी एनालिसिस के बाद वॉटसन क्रिक और विल्किस सर को 1962 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 या उन्नीस का ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि इन्हें किस वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिकल का या मेडिसिन का या चिकित्सा का अब जो डीएनए का एक्सरे एनालिसिस हुआ था उसके बारे में हम एक एक पॉइंट करके बात करेंगे सबसे पहली चीज़ तो ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं जो वाट्स एंड क्रिक मॉडल में ही बताया गया था कि जो डीएनए की संरचना होती है वो दो पॉलीन्यूक्लोटाइड चेनों के द्वारा मिलकर बनी होती हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ी हुई होती हैं और इन्हें जोड़ने का काम करते हैं बेस पेयर यानी कि जो बीच में ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं बेस पेयर जो कि बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है ये एक दूसरे से इस तरह से बंधे हुए होते हैं कि इन्हें वापस खोला भी जा सकता है अब बेसिकली हमने जो बेस पेयर देखे थे उनमें देखा था कि वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बंधे हुए होते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो दो पेयर में आपस में जुड़े हुए होते हैं कौन कौन से बेस पेयर तो देखिए एक एडनिन और थाइमीन जिन्हें ए टी पेयर बोला जाता है साथ ही ग्वानीन और साइटोसिन जिन्हें जी सी पेयर बोला जाता है ये है जी मतलब कि ग्वानीन और सी मतलब कि साइटोसिन ये एडेनिन और ये टी थाइम तो ये दोनों पेयर से जुड़े होते हैं लेकिन जो इनमें बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो जो एडेनिन और थाइमीन का जो बेस पेयर होता है ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है वहीं जो ग्वानीन और साइटोसिन है ये जो बेस पेयर है ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है सो होपफुली ये याद रहेगा ये फैक्ट हैं जो आपको अपने पास नोट डाउन करते हुए चलना है वहीं जो पॉलीन्यूक्लोटाइड चेन के बीच में जो बेस होते हैं ये जनरली यदि मैं इसके बीच में एक एक्सिस लगा दूं, तो देखिए ये जो एक्सिस दिख रही है इस एक्सिस के आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे होंगे तो ये जो बेस पेयर हैं ये एक्सिस के 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल प्लेन में रहते हैं अगर हम इसे यानी कि डीएनए को सीधा कर दें तो ये सीढ़ी नुमा संरचना आपको दिखाई देगी और ये सीढ़ी के डंडों के आकार के दिखाई देंगे क्या बेस बेस्पियर ठीक है तो ये पॉलीन्यक्टाइड चेन है जो आपको दिखाई दे रही है ये और इनके बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है पेयर अब जो बेस पेयर होते हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक होते हैं कैसे वो समझिएगा देखिए यहां पर अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये आपको ए यानी कि एडेनिन और टी मतलब कि थाइमीन इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सी मतलब साइटोसिन और जी मतलब गुआनिन तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों ही मतलब कि ए और टी इनका एक बॉन्ड देखा जा सकता है और एक सी और जी इनका एक बॉन्ड देखा जाता है मतलब एडनिन थाइमीन दोनों मिलकर एक परिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के और वहीं ग्वानीन और साइटोसिन ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सो so होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी आपकी और जो ये जो ए टी जी सी यानी कि जो एडनीन है थेमीन है ग्वानीन है और साइटोसिन है इन चारों को हम मिला दें तो बनता है क्या जीनोम तो ये बात याद रखिएगा कि एडनिन थाइमिन ग्वानीन और साइटोसिन इन चारों को मिला देने पर निर्माण होता है जीनोम का अब हम बात कर लेते हैं कि जो बेस पेयर होते हैं इन बेस पेयर की संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा ये 100 से लेके 2 लाख तक हो सकते हैं अब इनके बीच में जो बेसिकली जो डिस्टेंस होता है वो कितने का होता है देखिए बेसिकली जो दो बेस पेयर हैं उनके बीच की दूरी थ्री पॉइंट फोर होती है मतलब एक ये बेस पेयर और एक ये बेस पेयर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है थ्री पॉइंट फोर इस पूरे डी कि डायमीटर की अगर मैं बात करूं यानी कि व्यास की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम जो एंगस्ट्रॉम है ये कोई ऐसा SI यूनिट तो नहीं है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जब भी कोई छोटे से छोटे एट, एटम यानी कि परमाणु या मॉलिक्यूल यानी कि अणु इनके साइज के बारे में बताना होता है तो बेसिकली हम एंगस्ट्रॉम से ही शो करते हैं एक एंगस्ट्रॉम जीरो नैनोमीटर के इक्वल होता है तो अगर आप यहां पर देखें कि वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन नैनोमीटर तो हमने अभी देखा कि बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्राम तो अगर हम इसे नैनोमीटर में निकालें तो ये ये निकलेगा पॉइंट थ्री फोर नैनोमीटर वहीं अभी हमने इसके बीच में जो डायमीटर डीएनए का डायमीटर देखा वो था ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम इसे हम बोलेंगे टू नैनोमीटर तो अब इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कि नैनोमीटर में शो कर रहा है ये एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस दिखा रहा है आपको देखिए 0.34 नैनोमीटर वहीं जो इसका डायमीटर है वो कितना होगा 2 नैनोमीटर सो so होपफुली ये फैक्ट भी समझ में आ गया होगा अब डीएनए के प्रकार के बारे में बात करता हूं तो डीएनए जनरली तीन प्रकार का होता है सबसे पहले होता है दक्षिणावर्त डीएनए यानी कि जैसे हम बोलते हैं बी या राइट हैंडेड डीएनए जितना भी अभी हमने डीएनए के बारे में डिस्कशन किया वो सारा का सारा डिस्कशन हमने बी या दक्षिणावर्त डी या राइट हैंडेड डीएनए के बारे में ही किया है ये डीएनए सभी जीवों में पाया जाता है वहीं जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका डायमीटर ट्वेंगे ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम होता है अब जो नाइट्रोजन छारक या नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं इसके अंदर तो वो देखिए यहाँ पर कितने होते हैं दस तो देखिए यहाँ पे मैं काउंटिंग कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहला बेस पेयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन तो ये जो पूरा का पूरा जो घुमाव आपको दिखाई दे रहा है ये दस नाइट्रोजन क्षारक जोड़े यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर्स का होता है अब बात कर लेते हैं वामवर्थ डीएनए या जेड डीएनए या इसको ही बोलते हैं हम लेफ्ट हैंडेड डीएनए इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाम डीएनए कौन सा डीएनए होता है तो वो होता है जेड डीएनए यानी कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए कैसे बोला जाता है तो जेड जेड डीएनए डीएनए अब ZDNA क्यों बोला जाता है तो जेड डीएनए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है, ये जो डीएनए है टाइप की आकृति बनाता है इसलिए से हम जेड डीएनए कहते हैं इस डीएनए का जो डायमीटर यानी कि व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है और जो इनके जो नाइट्रोजन छारक जोड़े या नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं वो बारह होते हैं जबकि इससे पहले वाले हमने डी डी एन ए में देखा था कि दस नाइट्रोजन छारक जोड़े यानी कि नाइट्रोजन बे टेन नाइट्रोजन बेस्ड बेस पेयर्स होते हैं वहीं इसमें ट्वेल्व नाइट्रोजन बेस पेयर्स पाए जाते हैं इसके अलावा एक सूत्री डीएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में बात करूं तो ये बात याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक्स या वायरस या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एन जो पाए जाती हैं उनमें एक वलयाकार यानी कि सर्कुलर डीएनए होता है इसे ही हम बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब जो हमने नॉर्मल डीएनए देखा था तो उसमें हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बंधकों को ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं यदि एक अधिक तापक्रम में रखे जाते हैं तो ये टूट जाते हैं वहीं जो एक सूत्रीय या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं ये कितने भी तापक्रम में रख दो ये आपस में एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं ना कि टूटते हैं सो so, ये तीनों टाइप थे डीएनए के होपफुली ये सारा लेक्चर आपको समझ में आया हो यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत